नमस्कार, कल्पनास फिटनेस शैली में आपका स्वागत है। मैं कल्पना राठौड़, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर थेरेपिस्ट, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। बालों के झड़ने की समस्या, यह बहुत ही कॉमन समस्या है। चाहे बच्चे हो, यंग जनरेशन हो, बूढ़े हो, यह समस्या डे बाय डे बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि हमारा जो खान पान है, जितना पोषक तत्व हमारे बालों के लिए चाहिए, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके लिए मैं आपको आसान ऐसे तीन उपाय बताऊंगी, जिसे आप करके आसानी से परमानेंटली बालों के झड़ने को रोक सकते हैं। लेकिन आपको यह उपाय करने जरूर हैं। बाल हमारे चेहरे की सुंदरता के लिए कितना महत्व रखते हैं, यह तो हर कोई जानता है। और जिसके सिर पर कम बाल हो, उससे यह बालों की आप महत्व पूछिए। यह पूरे उपाय जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। और यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल यह तीन उपाय होंगे। इसके लिए नंबर वन, आपको सुबह खाली पेट 7 से 8 नीम पत्ते, या जिसे करी पत्ते भी कहते हैं, यह इस तरह सभी लोग इस नीम पत्ते से परिचित होंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के घर में होता है। यदि घर में नहीं है, तो आप इसे सब्जी के दुकान से, मार्केट से लाकर अवेलेबल कर सकते हैं। इसके 7 से 8 पत्ते सुबह चबा चबा कर इसे खाना है। एम्प्टी स्टमक, इसका मतलब यह नहीं कि उठते ही आपने खा लिया। आप पानी पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए, और उसके बाद इसे 7 से 8 करी पत्ते को इसे चबा चबा कर खाइए। उसके 30 से 40 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। करी पत्ते में विटामिन ए, बी, सी, फॉलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होने के कारण वह हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है, झड़ने से रोकता है, हेयर को सिल्की करता है। यह बहुत पुराने समय से आयुर्वेद में इसका बहुत अधिक वर्णन किया गया है। दूसरा उपाय, जब आप बाल धो रहे हैं, उसके पहले आपको 3 चम्मच दही ले लेना है, या आपके पास यदि खट्टी छाछ है, तो उसे आधी कटोरी ले लीजिए। बालों के लंबाई के हिसाब से उसे या 1 कटोरी आप ले सकते हैं। उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिला लीजिए। एलोवेरा जेल भी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और दही और एलोवेरा जेल को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, और बालों की जड़ों में मसाज करते हुए बहुत अच्छी तरह से लगाकर उसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रहने दीजिए, और फिर माइल्ड शैम्पू से सिर धो लीजिए। यह आपका दूसरा उपाय हो गया। जितनी बार आप बाल धोएंगे, इस उपाय को करना बिल्कुल न भूलें। यह बालों के जड़ों से रूसी और डेंड्रफ को तो दूर करता ही करता है, लेकिन बालों को सिल्की भी बनाता है और जड़ों को मजबूत करता है। तीसरा उपाय जो है, वह भी बहुत ही आसान है। आपको रात में सोने से पहले आंवले का जूस, 4 चम्मच आंवले का जूस 1/2 कप पानी में मिलाकर पीना है। आंवले में भी विटामिन सी, जो कि हमारे स्किन के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, साथ ही साथ बालों के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है। विटामिन सी मिलने के कारण बालों की ग्रोथ, बालों को टूटने से, झड़ने से रोकने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यह तीन उपाय आप समझ ही गए होंगे कि कितने आसान उपाय और रिजल्ट 100%। लेकिन हाँ, 1 या 2 बार ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसे आपको रूटीन में शामिल कर लेना है कि आपको करी पत्ता खाना है, नेक्स्ट आपको दही और एलोवेरा जेल को सिर पर बालों में अच्छी तरह से मसाज करते हुए लगाना है, और तीसरा आपको आंवले का जूस रात में सोने से पहले, हाँ, भोजन और आंवले के जूस में कम से कम आप 40 से 45 मिनट का अंतर अवश्य रखें। वैसे तो हम खाने में और जो सोने का समय है डिनर, उसमें 2 घंटे का अंतर मिनिमम हमें रखना ही चाहिए, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। यह उपाय बहुत ही आसान है, साथ ही साथ रिजल्ट जब आप इसे करेंगे, स्वयं ही जानेंगे। और यह वीडियो आपके बालों को झड़ने से रोकेगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा, हेयर को सिल्की करेगा। बहुत ही हेल्पफुल, इफेक्टिव और आसान उपाय है। आशा करती हूँ आप इसका भरपूर उपयोग लेंगे और बालों को झड़ने से रोकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचितों में शेयर करेंगे। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर इसी तरह नई नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
नमस्कार।